नमस्कार, ये देख रहे हैं आप अज्ञात टीवी। मैं हूं राम प्रसाद यादव। अक्सर एक बहस चला करती है कि फिल्म लाइन में हीरो नंबर वन कौन है। गोविंदा जी ने चूंकि टाइटल्स ऐसे किए हैं, हीरो नंबर वन, पुली नंबर वन, ये नंबर, तो लोग बोलते हैं। आज उनके सबसे बड़े यानी फैन नंबर वन यहाँ मौजूद है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी प्रणाम स्वीकार करें। और आप कहें कि गोविंदा जी को आप नंबर वन कैसे मानते हैं, दुनिया को बताएं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं जी। कुली नंबर वन गोविंदा जी को बोल बोल कर आप जो परेशान करते हो जी, शर्म आनी चाहिए आपको। हमको कि जनता को है? अरे कुली नंबर वन तो वरुण धवन ही है। वरुण धवन कुली, दुनिया ये कहती है कि वही असली हीरो है कुली नंबर वन। ऐसा बोल बोल कर आपने उन्हें कुली नंबर वन बना रखा है। और हमारे चीची भैया गोविंदा भैया सर पे इतना बोझ लिए हुए हैं पुराने जमाने का, 80s की फिल्मों का, 90s की फिल्मों का, कि उनके ऊपर बैगेज इतना ज्यादा हो गया है कि वो काम नहीं कर पा रहे। तुम जैसे फालतू में चलाने वालों की वजह से जानते हैं क्या क्या दौर आ गया उनका। क्या दौर आया है उनका? जो निकम्मा भांजा है कृष्णा जी, कृष्णा हाँ, कॉमेडियन हाँ, एक जमाने जब स्ट्रगल किया करता था तो लोग कहते थे गोविंदा का भांजा है। आज ऐसा जमाना आ गया है कि गोविंदा जी को देख कर कहते हैं लोग, ये देखो कृष्णा का मामा है। बात तो सत्य है, ये बिल्कुल सत्य बात है, इस पे आप नोट कर। अच्छा ये बताएं कि यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनके फैन नंबर वन हैं, उनसे सवाल करें। नहीं, देखिए हमारा मामला एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, सिस्टर क्लियर है और मिस्टर क्लियर है। वो क्लियर ये है कि भैया कुली नंबर वन वरुण भैया ही है जी। हमारे गोविंदा भैया जो है वो हीरो नंबर वन है, बेटा नंबर वन है, जोड़ी नंबर वन है और जितने भी नंबर वन के तमगे हैं वो सब है, केवल कुली नंबर वन ही नहीं है, शिकारी भी है। शिकारी भी है तुमको देख लगता है भिखारी? फालतू बात मत करो। असलियत दर्शक के सामने न रखे तो अच्छा होगा। त्रिपाठी जी यहाँ पे बहुत सारे, त्रिपाठी जी के अलावा ये तो बिग फैन है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास। हम चलेंगे कैमरा पर्सन, हम चाहेंगे 2 मिनट कैमरा इधर घुमाएं। आप गोविंदा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सूक्ष्म रूप में कहें। देखिए गोविंदा जी का मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ जी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है गोविंदा जी का दौर नहीं है। अरे भाई ऐसा क्यों? देखिए 1980 के दशक में था, उनका दौर था, उनके गाने बजते थे, ये म्यूजिक ये वो ऐसा। अब लेकिन वो दौर बदल गया। नहीं, गाना कौन सा? जैसे कि जब वो आते थे हाँ, तो उनके ऊपर एक गाना बजता था, गोविंदा आला रे आला। लेकिन वक्त मतलब कुछ कमीने लोग उनके आने पे गाना बजाते हैं, अब कौन सा? गो 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 गोविंदा, गो 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 गोविंदा। तो ये सब चीजें मैं फैन उनका। लेकिन नेगेटिविटी, फालतू की बात कर रहा है गोविंदा जी के लिए, फालतू बात कर रहा है। अरे टाइमिंग खराब है तो राइमिंग कुछ भी करेगा। अरे कुछ तो रैम कर, फालतू की नहीं कर रहा है। इससे कोई सवाल नहीं करना त्रिपाठी, बवाल है। नहीं हम उसे आई लव माय गोविंदा। नहीं तो ये तो शक्ल से है शर्मिंदा। सर एक बात कहूं, क्यों है जिंदा? त्रिपाठी जी एक बात कहूं, आपकी दयनीय स्थिति गोविंदा जी की वजह से तो ये हमारे साथ है इस वक्त, देश के जाने माने राइटर जिन्होंने बहुत कोशिश की, फिल्म नहीं मिली, लेकिन लेखक है। ये गोविंदा जी के बारे में कुछ दो शब्द जी। मैं तो यही कहूंगा, देखो मेरा फेवरेट हीरो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है चीची, और उसके अलावा सारे हैं। गोविंदा की बात कर रहे हैं? हाँ, गोविंदा मतलब चीची, चीची मतलब गोविंदा। तो मेरा फेवरेट हीरो है चीची, उसके अलावा बाकी सब है छी छी छी। ये शब्द हम आप पे लागू करते हैं, छी तेरी ऐसी आए हमारे भी कन्या, थोड़ा सा हमको, थोड़ा सा हमारे समक्ष आज बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े गाने वाले भजन दुबे जी हैं। दुबे जी कुछ कहेंगे गोविंदा भैया के बारे में? अरे भैया हम तो इलाहाबादी हैं, गोविंदा जी के माई बनारस के रहनी हो तेरी। तो हम तो बड़ी अच्छी गायिका थी वो जी। हम तो गायक हैं तो गनवाई ने गाएंगे ना, कि सुनता है मेरा खुदा। एक मिनट त्रिपाठी जी कुछ कहिए इस पे। अरे इनका कहना एकदम सही है, शत प्रतिशत सही है। कैसे? अरे सुनीता भाभी जी का नाम है, गोविंदा जी की पत्नी जी का नाम है सुनीता हाँ। और गोविंदा जी उन्हीं का है सुनता। अच्छा तो सुनीता है मेरा खुदा है। बहुत बदमाश सिंगर है। राधे हर हर महादेव जी, अपने प्रचार न करें। गोविंदा एक जमाने में गुणी था हाँ।
जब उसने शादी की विद सुनीता। एक सुंदर कन्या यहाँ पे मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि आप गोविंदा पे कुछ प्रकाश डालिए। हंसती बहुत अच्छा है। और गोविंदा भी तो हंसती है, वो हंसती नहीं क्या? मार दे मुंह तोड़ दो, आज मारा क्या नहीं? वो क्या है ना, हम तो जीए को देख देख कर ही जीए हैं। जीए? हाँ। ये जीए कौन है भाई? अरे गोविंद आहूजा। जीए गोविंद आहूजा। हाँ। अच्छा, उनकी फिल्म में जब नहीं आती है तो क्या करती हैं आप? जीए तो जीए कैसे बिना आपके। मेरे बगैर नहीं। हाँ। गोविंदा चल बंद कर तेरा धंधा। अच्छा एक चीज बताइए त्रिपाठी जी, पुनः आपके पास हूँ। अभी गोविंदा को आपने कहा था कि किसी फिल्म में यूज किया तो सुपर हिट हो गई, कौन सी फिल्म थी? देखिए जी, उसके लिए तो ये मेरे ख्याल से वो दड़ियल जो है सही जवाब दे पाएगा। दड़ियल जो शक्ल से सड़ियल, प्रभु देवा सड़ियल लग रहा है, प्रभु देवा जैसा। आई, आई। नल्ला प्रभु देवा। आई। लेकिन कुछ गोविंदा जी के बारे में जी अंदर की जानकारी रखता है। अच्छा। क्योंकि ये 3 साल अंदर था। अच्छा, तभी दाढ़ी बढ़िया। ये लॉकडाउन की वजह से या क्या? हाँ, चलिए। मोदी जी के फैन है ना हम, जैसे कि गोविंदा जी के है वैसे ही। जी जी। अभी ये गोविंदा जी का बैकग्राउंड देखिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे उनका बैकग्राउंड तो ऐसा भी किसी की किस्मत बना दे। अमिताभ बच्चन को हिट और सुपर हिट करने में जो है गोविंदा जी का ही बैकग्राउंड है। अच्छा, सरकार 1, सरकार 2। हाँ, सरकार 3। हाँ, राम गोपाल वर्मा राम जी थे उसमें। राम गोपाल वर्मा जी जी राम जी। अच्छा, अरुण गोविल। गोपाल गोविल भी पीछे भी ज्वाइन कर लिए है। और हम तो कहते हैं भैया कि बच्चन साहब की सरकार हिट हुई है जी गोविंदा जी के बैकग्राउंड की वजह से। आपने वो बैकग्राउंड नहीं सुना? गोविंदा 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 गोविंदा। तो वो सरकार तो बड़ी हिट हुई। हाँ, और सरकार 1 सरकार 2 सरकार 3 हिट हुई। हम तो बीजेपी से यानी कि मोदी जी से ये आग्रह करेंगे प्यार भरा कि आप अगर गोविंदा जी को लाएंगे तो आपकी सरकार बंगाल में बनना निश्चित है। तो छोड़ो मितुंदा, पकड़ो गोविंदा। एक पर्सनल व्यू त्रिपाठी जी, मेरा भी है गोविंदा के लिए। मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसी बात में शर्मिंदा है। नहीं, अगर उनको हम बॉर्डर पे भेज दें हाँ। तो न गोली बंदूक का खर्चा, खूब होगा चर्चा, पूरे विश्व में छा जाएंगे। कैसे? सारे दुश्मन मार गिराएंगे, क्योंकि गोविंदा जी कहते हैं हाँ। कि अंखियों से गोली मारे सैया हम। देखिए भाई, ये दौर चाहे जो भी हो हाँ। वक्त आता जाता रहेगा जी, लेकिन गोविंदा जी के नाम में ही आना जाना है। कैसे? पहला शब्द गो, आखिरी शब्द जा, आहूजा आहूजा। गो और जा तो लगा रहेगा हाँ। आना जाना लगा रहेगा। लेकिन भैया, जिस तरह से कॉमेडी का उल्टा होता है ट्रेजेडी, हंसी का उल्टा होता है दुख, वैसे ही किसी महापुरुष ने टाइटल बनाया था गौतम गोविंदा। बड़ी सही बात है। गौतम मतलब गंभीर और गोविंदा मतलब खुशी, आनंद आनंद। मतलब ये गोविंदा, अरे आनंद से याद है, गोविंदा का एक डुप्लीकेट था आनंद। कल हमको पार्ला स्टेशन पे 3 नंबर पे बिस्किट खाते हुए मिला था। बोल रहा था कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भैया, मिर्ची लगी तो हम क्या करें। और कुछ गोविंदा के बारे में है कि कट कर रहे हैं? अब कट कर ही दो, आज के लिए तो इतना ही। गोविंदा आई लव यू। काट इट, लव यू गोविंदा।